Students, our next topic is adverb. What is adverb? The word that tells us how action are done are called adverb. It tells us also when or where an action take place. बच्चों एडवर्ब क्या है? वो लव्स जो हमें बताता है हाउ एक्शन आर डन, कि किस तरीके से कोई काम हुआ है, ये सब क्या कहलाता है? एडवर्ब. इट टेल्स अस आल्सो व्हेन और वेयर एन एक्शन टेक अ प्लेस. फॉर एग्जांपल क्विकली, स्लोली, केयरफुली, नाइसली. क्या है? क्विकली जल्दी से, स्लोली आहिस्ता, केयरफुली एहतियात से, नाइसली बहुत प्यार से या ध्यान से. ठीक है, एडवर्ब क्या है? वो वर्ड है जो हमें बताता है कि जो एक्शन किस तरह हुआ है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब. इट टेल्स अस आल्सो व्हेन और वेयर एन एक्शन टेक प्लेस, कब और कहाँ कैसे एक्शन हुआ. सपोज क्विकली, ठीक है, डू योर वर्क क्विकली, fast, slowly, you are very slowly, do your work carefully, nicely, you look nicely. ठीक है बच्चों, ये words क्या हैं? ये हमें action जो done हो रहा होता है उसको show करवा रहे होते हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं adverb. Use of was were. Our next topic is use of was were. Was were used in past tense. Students, आपको पता है था, थे माजी की हालतों में इस्तेमाल होते हैं. जो गुजरा हुआ ज़माना होता है उसके लिए वॉज और वर इस्तेमाल होता है. ठीक है, शी, ही, इट इज सिंगुलर. ठीक है, उनके साथ क्या यूज़ होगा? वॉज. ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज यूज़ करते हैं. वी, दे, यू प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वर यूज़ करते हैं. ठीक है बच्चों, जो हमारा वॉज और वर है वो हमेशा पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, और पास्ट टेंस में वॉज और वर सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं. ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ वॉज यूज़ होता है. वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वर यूज़ करते हैं. ठीक है, कुछ सेंटेंसेज हैं जैसे ही डैश सिक यस्टरडे. ही इज अ सिंगुलर, वी यूज वॉज. ठीक है, हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? वॉज यूज करेंगे. ही वॉज सिक यस्टरडे. इट डैश एन ओल्ड बिल्डिंग. इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग. ठीक है, आगे अगले देखते हैं. वी डैश नॉट इन अ इन द क्लास. वी डैश, वी क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? वर ऐड करेंगे. ही क्या था? सिंगुलर था, उसके साथ हमने क्या ऐड किया? वॉज. और वी हमारा क्या है? प्लूरल है, तो हमने उसके साथ क्या ऐड किया? वर. देखो बच्चों, वी वॉज सूटेबल सेंटेंस नहीं बनेगा. वी वॉज नॉट इन द क्लास या ही वर सिक यस्टरडे. हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ होती है जो सेंटेंस में उसका रिदम बनता है, जो फार्मूला होता है. फार्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सेट की जाती हैं, माजी की चीज़ों को किस तरीके से सेट करना है? वॉज और वर के अकॉर्डिंगली. लेकिन सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ क्या ऐड करेंगे? वर यूज़ करेंगे. ठीक है, डैश ही कमिंग, वॉज ही कमिंग. ठीक है, जैसे शी वॉज नॉट पुअर गर्ल, दे वर नॉट गोइंग टू ऑफिस. ठीक है बच्चों, समझ आ गई वॉज कहाँ यूज़ करेंगे और वर कहाँ यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी. स्टोरी ग्रीडी डॉग. बच्चों आपको पता है ना स्टोरी क्या होती है? कहानी. कहानी भी हमेशा पास्ट में ही होती है ना, जो पहले हुई होती है वो कहानी वो कहलाती है. ठीक है, ये हमारी कहानी है ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ते के बारे में ये कहानी है. तो हम इस कहानी की रीडिंग करेंगे. अच्छा बच्चों, इस तरह है कि मैं रीडिंग तो कर देती हूँ, लेकिन अब आप लोग फोर्थ क्लास में, टेंसेस का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जा रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है? खुद से एक स्टोरी लिखनी है. ठीक है, कोशिश करनी है कि खुद से जो है वो सेंटेंसेस बनाएं छोटे छोटे से, और अपनी जो कॉपी है, नोट कॉपी है, जो आप स्कूल की कॉपीज हैं उसके ऊपर जरूर नोट कीजिएगा. फिर जब आप स्कूल आएंगे तो हम उसको चेक करेंगे, और जो मिस्टेक्स होंगी वो हम उसको यहाँ पर आके क्लास में क्लियर कर लिया करेंगे. इससे क्या फ़ायदा होगा? घर बैठ कर आपका टेंस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, और क्या होगा, आप लोगों की इंग्लिश राइटिंग जो है, सेल्फ राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होगी. ठीक है, मैं स्टोरी की रीडिंग करती हूँ, और आप लोगों ने अपनी तरफ से जो है सिंपल सिंपल sentences add करके एक अच्छी सी story लिख कर लानी है. ठीक है, greedy dog. Once there was a dog, he was very hungry. He stole a piece of meat. He wanted to eat it alone. He ran to the forest. He reached a stream. He saw his own reflection in the water. He thought
another dog with a piece of meat. His mouth watered. He wanted to snatch his piece of meat. He opened his mouth to get it. His own piece of meat fell into the water. He lost his own piece of meat. ठीक है बच्चों, क्या बताया जा रहा है? एक लालची कुत्ता था, वो गोश्त का टुकड़ा जो है चुरा लेता है क्योंकि वो बहुत भूखा होता है और वो चाहता है कि वो अकेले ही ये सारा गोश्त का टुकड़ा खा ले। वो जंगल में से जाता है जंगल की तरफ, रास्ते में जो एक नदी पड़ती है, जब वो वहाँ से गुजरता है तो उसको नदी में अपना जो है ना अक्स नज़र आता है। अक्स मतलब होता है ना बेटा साया, पानी साफ शफाफ होता है, उससे अपना साया नज़र आता है। वो समझता है एक और कुत्ता जो है वो जो है वहाँ पर मौजूद है, उसके पास जो है गोश्त का टुकड़ा है। तो वो क्या करता है, उसके मुंह में पानी आता है, वो वाला पीस भी लेना चाहता है। वो अपना मुंह खोलता है वो पीस लेने के लिए, लेकिन उसका जो वो गोश्त का टुकड़ा होता है वो पानी में गिर जाता है और वो अपना गोश्त के उस टुकड़े से भी महरूम हो जाता है। तो हम मॉरल क्या लेंगे, लालच बुरी बला है। जो आपको चीज़ मिल गई उस पर सब्र और शुक्र करें, बहुत ज़्यादा हविस और लालच नहीं करनी चाहिए। वैसे भी बच्चों आम ज़िंदगी में जो चीज़ें अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि मज़ीद हसरत करके हविस करके लालच करना चाहिए। ठीक है, इस तरह एक स्टोरी आप लोगों ने भी बनाकर आनी है। थैंक यू।